हेलो फ्रेंड्स जय हिंद स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन फाइनली रिलीज हो चुका है सात हजार पाँच सौ सैंतालीस पदों पर ही ये वैकेंसी आई है और दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जैसी उम्मीद बच्चे कर रहे थे कि नोटिफिकेशन में ही जो ओवरेज कैंडिडेट हैं उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा तो ऐसा नहीं हुआ तो जो बच्चे ओवरेज हो चुके हैं सबसे पहले मैं उन्हीं के बारे में बात कर लेता हूँ दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं हम 5 तारीख के आसपास केस फाइल कर देंगे और ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चा केस में शामिल होगा उसी को ही छूट मिल सकती है तो क्योंकि जजमेंट तो कोर्ट के हाथ में है तो ये मान के आप बैठे मत रहना कि भैया सबको छूट मिल जाएगी ठीक है क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का यह मामला है तो ध्यान से थोड़ा सा जागरूक होकर के केस में ऐड होना है क्योंकि अगर कहीं ऐसा हुआ कि केवल उन्हीं बच्चों को छूट मिले जिन्होंने केस किया है तो बाद में फिर आपको दिक्कत हो सकती है फिर आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा तो हम कैसे इस केस को आगे लेके जाएंगे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ हमारी जो डिमांड है सिर्फ इतनी सी है कि हमें भैया तीन साल की रिलैक्सेशन चाहिए हमने केवल तीन साल की एज रिलैक्सेशन का मुद्दा उठाया है और उसके संबंध में हम बहुत सारे जजमेंट वहाँ पर पेश करेंगे जैसे सीआरपीएफ एससीएम है ट्रेडमैन है राजस्थान पुलिस है एमपी पुलिस है ठीक है तो इस प्रकार के एग्जाम्पल हम उनको देंगे तो केवल एक मुद्दा हमारा रहेगा कि तीन साल की एज रिलैक्सेशन इसके अलावा ना तो हम एज काउंट को लेके जा रहे हैं ना ही दो साल देख साल कुछ नहीं लेके जा रहे हैं केवल एक मुद्दा की तीन साल की एक्स्ट्रा एज रिलेक्सेशन मिलनी चाहिए हमारी जो फीस है दोस्तों सरयाम बता रहा हूं मैं कोई यहां पे छुपी हुई बात नहीं है दो हजार रुपए पर कैंडिडेट ठीक है तो अगर आपके पास दो हज़ार देखो इतना तो चाहे आप मतलब अगर एक्सपीरियंस वकील के पास जाएंगे तो तीन हजार चार हजार पांच हजार रुपए तक फीस रहती है हमने वकील साहब से रिक्वेस्ट की है काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो दो हजार पे आए हैं तो दो हजार रुपए पर कैंडिडेट के लगेंगे ठीक है कैंडिडेट के ही लगेंगे दोस्तों तो आप ये मत सोचना रहे कि ज्यादा कैंडिडेट होंगे तो फीस कम हो जाएगी क्या वकील साहब ने साफ मना कर दिया है क्योंकि पर कैंडिडेट का खर्चा उतना ही बैठता है डॉक्यूमेंट्स का जो अदर प्रोसीजर है उनका दोस्तों ठीक है कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शामिल होना है जितने ज्यादा बच्चे शामिल होंगे इस केस में उतना ही केस को मतलब एक पावर मिलेगी कि भैया इतने सारे बच्चे हैं जो इस चीज से मतलब ओवरेज हो चुके हैं इनको छूट चाहिए एक तो मान लीजिए सो पचास बच्चे ही जाके कोर्ट में खड़े हो उनका ही केस जाए तो कहीं यार ये तो सौ बच्चे हैं वही अगर मान लो पांच सौ छह सौ सात सौ बच्चे वहां पहुंचे तो एक अलग ही इफेक्ट पड़ेगा यार सात सौ बच्चे हैं जिनको एज में छूट चाहिए तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉजिटिविटी आपको वहां से मिलेगी कोर्ट की तरफ से ठीक है तो कहने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको शामिल होना है व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाके आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए कल शाम तक हां जी तीन सितंबर सात बजे तक हम पेमेंट लेंगे इसके बाद कोई बच्चा पेमेंट लेके आएगा कि सर मेरे को ऐड कर ले बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा तो जिन भी बच्चों को शामिल होना है केस में तीन सितंबर सात बजे तक आपको पेमेंट करनी है चार सितंबर को दिल्ली में मीट करूंगा दिल्ली आपको आना पड़ेगा तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे कैसे आपको क्या करना है वो सारी चीजें हम व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करेंगे तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और केस में अगर आप शामिल होना है तो ही आपको ग्रुप में आना है फीस मैंने यहां पे क्लियर बता दी है इससे कम या ज्यादा नहीं होगी ठीक है इसके अलावा बहुत सारे अन्य भी ग्रुप हैं तो वहां पे अलग अलग फीस आप उनमें जा सकते हो हमारा जो वकील साहब है उनकी फीस दो हजार रुपए है रही बात केस जीतने की हारने की तो नाइनटी परसेंट पॉसिबिलिटी है पूरी कोशिश हम करेंगे पूरी कोशिश हमारे वकील साहब करेंगे लड़ने की बढ़िया मुद्दे लिखाएंगे बढ़िया लॉजिक के साथ वो लड़ेंगे लेकिन 10 परसेंट यह भी पॉसिबिलिटी है कि केस हम हार जाए और केस हारने की स्थिति में एक भी पैसा आपका रिफंड नहीं होगा तो इस बात का ध्यान रखना सोच समझ के जागरूक होके अलर्ट होके पेमेंट करना है ठीक है कहीं बाद में आके मेरे सर पे नहीं चढ़ना है कि भैया केस तो मार गए हमारे पैसे दे दीजिए क्योंकि वो पैसे वकील साहब को दे दिए जाएंगे और वो पैसा फिर कोर्ट में लग जाएगा ठीक है तो इस बात का ध्यान रखना लेकिन अगर बैठे रहोगे तो फिर कुछ भी होने वाला नहीं है ठीक है रिलेक्सेशन चाहिए तो लेना पड़ेगा, पैसा तो भैया लगेगा और दो हजार रुपए मुझे नहीं लगता है सुप्रीम कोर्ट का केस बन जाएगा तो पेमेंट तो लगेगी भैया ठीक है तो जो बच्चे रेडी है व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए आइए बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में तो दोस्तों कल रात को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो इंपॉर्टेंट डेट्स है पहले उनको देख लेते हैं तो यहां पे जो ऑनलाइन फॉर्म है दोस्तों आपके एक सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं तीस सितंबर तक आप इन फॉर्मों को भर सकते हैं अच्छा अगर हमारा जजमेंट अगर लेट होता है मान लीजिए पच्चीस छब्बीस तारीख तक जजमेंट आता है कोर्ट का तो फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो इंक्रीज हो जाएगी तो फॉर्म भरने का मौका आपको पर्याप्त समय मिलेगा तो वो टेंशन दिमाग में नहीं रखना है कि मान लीजिए जजमेंट लेट आता है तो क्या होगा जजमेंट अगर लेट आता है और हमारे पक्ष में आता है तो आपको टाइम मिलेगा फॉर्म भरने का एस एस सी दोबारा से पोर्टल ओपन करेगी चार पांच दिन के लिए तो उसमें आपको फॉर्म भरना का मौका मिलेगा दोस्तों तो उस चीज से टेंशन फ्री रहिए यहां पे दोस्तों तीन अक्टूबर से चार अक्टूबर तक आप अगर फॉर्म में कोई गलती करते हैं तो उसको आप करेक्शन आउट कर सकते हैं और एग्जाम डेट दोस्तों चौदह नवंबर से लेकर पांच दिसंबर तक आपका पेपर होना है ये एस ने दोबारा नोटिस जारी करके चीज कंफर्म कर दी है बाकी अगर नोटिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो एज क्राइटेरिया हम पहले बता रहे थे कि आपका एक जुलाई से काउंट होगा तो एक जुलाई दो हजार तेईस को जनरल कैटेगरी की उम्र अठारह से पच्चीस साल होनी चाहिए ओबीसी अठारह से अट्ठाईस साल एस सी एस सी अठारह से तीस साल दोस्तों ठीक है तो ये आपका एज क्राइटेरिया रह सकता है मतलब है ही ठीक है बाकी नोटिफिकेशन में कोई भी बदलाव नहीं है वही पहले की तरह आपका पहले एग्जाम होगा एग्जाम पैटर्न काफी वीडियो में हमने बताया हुआ है फिर फिजिकल होगा फिर मेडिकल होगा फिर आपका फाइनल लिस्ट आपकी लिख जाएगी यानी मेडिकल फाइनल लिस्ट के बाद आएगा ठीक है तो जो भी बच्चे दिलीप इसकी तैयारी कर रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए और जो बच्चे एज एजन वाले हैं जल्दी से ग्रुप में आ जाइए और केस में शामिल हो जाइए वैकेंसियां तो ऑलरेडी डिक्लेयर थी सारी चीजें वही चीजें हैं कुछ भी इसमें अलग नहीं है दोस्तों मेल कॉन्स्टेबल की चौवालीस सौ तिरपन वैकेंसियां हैं फिर यहाँ पे एक्समैन की दो सौ छियासठ है यहाँ पे कमांडो की तीन सौ सैंतीस है चौबीसवीं क्या में फीमेल कैंडिडेट हैं तो कुल मिला के दोस्तों सात हजार पाँच सौ सैतालीस यहाँ पे पद हैं तो उसमें विशेष कोई बदलाव नहीं है बातें तो हम काफी वीडियोज में आपको पहले भी बता चुके हैं ठीक है दोस्तों तो जो भी बच्चे दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं आप हमारे ड्रीम बैच में आ सकते हैं मंडे से इसकी क्लास रेगुलर हो जाएंगी दोबारा से और सारी क्लासेस आपको मिलेंगी मैथ रीजनिंग जीके साइंस कंप्यूटर सभी क्लास आपको मिलेंगी तो आप ड्रीम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है सौ निन्यानवे रुपए में कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा साथ ही मिलेंगे तीस मोक टेस्ट ठीक है तीस मोक टेस्ट मिलेंगे दिल्ली पुलिस पैटर्न पे तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और ड्रीम बैच को ज्वाइन करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें चलो सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद जय हिंद